राम राम भाई लोग। तो यार आज अपन लोग फिर से खेलने वाले इंडियन बाइक 3D एयर वर्ल्ड कर गए। तो जैसा कि पता है अपन लोग इसमें चैलेंजेस करते रहे, तो और साथ में यार स्टोरी लाइन भी काफ़ी जल्दी आने वाला है इसका वर्ल्ड कर गए। बट आज अपन लोग फिर से एक चैलेंज करने वाले और ये चैलेंज काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चैलेंज होने वाला है। तो चलो यार वर्ल्ड कर गए अपन लोग वीडियो में बढ़ते वर्ल्ड कर गए चैलेंज की ओर बढ़ते। तो सबसे पहले अपन लोग गाड़ी लेके चलते और आप लोग को बताते चैलेंज क्या कर रहे और कैसा चैलेंज कर रहे। तो चलो फटाक से अपन लोग सबसे पहले अपनी यार वर्ल्ड कर गए बाइक उठा के चलते। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जैसे हम लोग आगे जाते हैं, अब यहाँ पे देख लो जैसे यहाँ पे जो गोल मतलब यहाँ पे देख सकते हो ना रोड है, यहाँ से एक रोड ऊपर को गई एयरपोर्ट के लिए, एक इधर अपने हाउस के लिए और एक रोड गई है पेट्रोल पंप के लिए। तो ये मतलब चारों साइड से एक गोल है ना, इसमें चारों में फॉर्चुनर अपन लोग लाने वाले, लगभग 200+ फॉर्चुनर स्पॉन करने वालों में और उनको गैस टंकी मदद से फोड़ने वाला हूँ। मतलब देखते क्या सीन होने वाला है। मेरे हिसाब से इस बार गेम क्रैश हो जाएगा क्योंकि देखो 200 बहुत ज्यादा रहती, लेकिन हाँ एक चीज पता चल गया मेरे को कि गेम क्रैश तभी होता है जब अपन लोग जो जिस चीज के मतलब जिस चीज को कर रहे हैं, जैसे मैं 200 फॉर्च्यूनर बुला लिया तो अब मैं वहीं पे रहूंगा तभी गेम क्रैश होगा। लेकिन अगर वहीं से मैं मतलब एक चीज ट्राई किया था, जैसे मैंने 500 फॉर्च्यूनर भी बुला ली ना, अगर मैं उस जगह से चला जाता हूं तो गेम क्रैश नहीं होता। मैं ये चीज समझ गया, गेम क्रैश तभी होता है जब तुम जो जहां पे फॉर्च्यूनर गाड़ी वगैरह जो भी चीज कर रहे हो तुम वहां से हट जाओगे तो गेम क्रैश नहीं होगा। तो इसके लिए मेरे को थोड़ा चैलेंज इजी हो जाता है लास्ट में, वरना मेरे को नहीं लग रहा था मैं चैलेंज कर पाऊंगा क्योंकि भाई अभी आप लोग देख रहे हैं लास्ट में गेम क्रैश होने लगता है क्योंकि अब भाई चैलेंज तो पूरा करना है। तो धीरे धीरे मैं जब हाईएस्ट फॉर्च्यूनर बुला लेता हूँ ना, बहुत ज़्यादा फॉर्च्यूनर बुला लेता हूँ तो उसके कारण गेम क्रैश करने लगता है, मतलब लैग मारने लगता है। तुमको लगेगा लैग मार रहा है लेकिन इसको गेम क्रैश बोलते, जो FPS है ना वो 5-8 पे आ जाता है। तो फिर मेरे को लग रहा था कि चैलेंज शायद मैं ना कर पाऊँ, बट जैसे तैसे मैं किया, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो सबसे पहले देखो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरी सिस्टर कर रही थी चैलेंज, मतलब छोटी वाली है तो मैंने उसको फ़ोन दे दिया था भाई। मतलब ये गेम काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है ना, टाइम पास वाला, तो भले मैं उसको फ़ोन दे दिया और भाई मतलब मैंने बोला ऐसा ऐसा करते जाओ और भाई कंटिन्यू करते गए वॉल कर गैस, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे क्योंकि मतलब अभी उतना ज़्यादा खेलती नहीं है ना। तो देखो वॉल कर गैस अभी अपन लोग यार गैस फटाफट फॉर्चुनर स्पैम करते, यानी कि मैं तो नहीं कर रहा था लेकिन अब मैं फॉर्चुनर स्पैम करने लगा था वॉल कर गैस। यहाँ पर देख सकते हो उसने कितनी मस्त तरीके से स्पैम कर दी, बट अब अपन लोग करने वाले भलकर गैस फॉर्च्यूनर पूरा गोल मतलब लगभग 200 तो हो जाती है, 200 तो कंफर्म हो जाती है, 100 तो हो जाती है लेकिन 100 से ऊपर हो जाती है, 200 और 200 प्लस हो जाती है क्योंकि ये जो गोल है ना मतलब ये गोल रोड है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबी है और गोल है भलकर गैस। तो चलो अभी अपन लोग फटाफट बुलाते जाते हैं फॉर्च्यूनर भलकर गैस 1000 लगाते जाते। तो यहाँ पर देख सकते हो अपन लोग ने अभी मतलब लगभग 25% किया, अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा करना है, वीडियो को थोड़ा कट करते जा रहा हूँ मैं। मतलब मेरे को पूरे गोल में भाई पूरा फॉर्च्यूनर करना है, फिर उसके सामने गैस टैंक स्पॉन करना है और फिर जो स्टिकी बम है ना वो करना है, क्योंकि देखो गैस टैंक तो भाई गोली से फटता है लेकिन स्टिकी बम रहेगा ना तो उससे क्या सीन होगा वाल करके, स्टिकी बम जैसे ही फटेगा तो गैस टैंक ऑटोमेटिक फटने लगता है। तो लगभग मैंने 50% से भी ज़्यादा इसको कंप्लीट कर दिया, बस मैं गोल करने ही वाला हूँ इसको वाल करके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और जैसे ही गोल होगा व्यू देखना भाई, क्या मस्त व्यू आता है वाल करके। अभी अपन लोग फटाफट फॉर्च्यूनर स्पैम करते जाते, मैं कंटिन्यू फॉर्च्यूनर स्पैम करते जा रहा हूँ वाल करके। यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा फॉर्च्यूनर कर दिया अपन लोग ने। तो चलो वाले करके सभी अपन लोग अगेन करते जाते हैं बिना टाइम वेस्ट के वाले करके, सभी अपन लोग को काफ़ी ज़्यादा करना है, अभी अपन लोग ने 50% से थोड़ी ज़्यादा करी है, मेरे को जल्दी जल्दी करना है भाई। मैं इसलिए कर रहा था भाई, मेरे को लग ही रहा था गेम क्रैश ना कर जाए, फिलहाल तो अभी गेम क्रैश नहीं कर रहा है, 18 FPS और 60 FPS चल रहा है। लेकिन अभी आप लोग आगे देखना, जब मैं पूरा फॉर्च्यूनर 200+ स्पैम कर लेता हूँ फिर गैस टैंक स्पैम करने लगता हूँ ना, जब गेम क्रैश हो जाता है मतलब धीरे धीरे होने लगता है। तो चलो वाले करके सभी अपन लोग फटाफट करते हैं वाले करके, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला वाले करके। तो यार यहाँ पे देख सकते हो अपन लोग ने यार वाले करके लगभग पूरी कंप्लीट कर दी, और अब आप लोग गेम की हालत देखो, FPS देखो 8, 7, 6, 2 पे तक आ रहा है वाले करके, 10 से नीचे FPS रह रहा है, कभी कभी 2 पे जा रहा है। गेम देखो क्रैश करना चालू कर दिया, लैग करना चालू कर दिया वाले करके, यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई इसी को बोलते हैं गेम क्रैश। भाई मेरे को इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था ना, कहीं पर मैं कर रहा हूँ कहीं पर जा रहा है, मतलब कैरेक्टर को थोड़ा लेफ्ट कर रहा हूँ तो कभी वो ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, इसी को भाई गेम क्रैश बोलते। बट मेरे को जल्दी से चैलेंज को करना है भाई, यहाँ से मेरे को इतना ज़्यादा डिफिकल्ट समझ में आ रहा था ना चैलेंज, मेरे को लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि भाई अभी तो मैंने सिर्फ फॉर्च्यून बुलाई है, अभी मेरे को यार वाले करके वो फ्यूल टैंक बुलाने हैं और गैस टैंक बुलाने, फिर उसके बाद मेरे को भाई स्टिकी बॉम्ब भी लगाने, भाई इतना डिफिकल्ट था ना भाई जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब भाई देखो यार ऐसा तो डिफिकल्ट नहीं है लेकिन गेम क्रैश करता था ना उसमें बहुत प्रॉब्लम आई। तो फाइनली यार यहाँ पे देख सकते हो मैंने यार लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया
दिया भड़कर गैस। यहाँ पे देख सकते हो बस जस्ट 2 या 4 फॉर्च्यूनर बुलानी मेरे को, फिर मैं गैस टैंक करने लगूंगा भड़कर गैस। तो यहाँ पे देखो अब मैं सोच रहा हूँ इतनी सी जगह मैं खाली छोड़ दे रहा हूँ, बट चलो एक दो बुला ही लेता हूँ कि लगभग पूरा कंप्लीट हो गया, बट जस्ट 2 या 3 फॉर्च्यूनर की जगह है तो इसलिए मैं इस जगह को छोड़ देता हूँ बिल्कुल। यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाड़ करके मैं गैस टैंक भाई फटाफट स्पैम करने लगता हूँ। भाई क्या हो गया, मतलब अचानक से बोलते बोलते भाई मतलब जीप रुक सी गई थी, चलो कोई ना। तो भाड़ करके सब लोग फटाफट करते, यहाँ पे देख सकते हो स्कूटी आ गए। भाई गेम इतना क्रैश हो रहा था ना जिसका कोई हिसाब नहीं भाई, क्या ही तो बताऊँ। दो मतलब डबल बार जीरो जब आ रहा हूँ भाड़ करके मैं, वो 2 बार से 3 बार हो रहा है भाई, मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था ना जिसका कोई हिसाब नहीं। तो चलो भाई अभी अपन लोग को फ्यूल टैंक काफी ज्यादा स्पैम करना है, तो अपन लोग फटाफट स्पैम करते जाते आप लोग देख सकते हो मैंने काफी ज्यादा फ्यूल टैंक स्पैम कर दिया, मेरे को अभी कंटिन्यू करते जाना है। यहाँ पे भाई गेम बहुत ज्यादा गंदा वाला क्रैश कर रहा है भाई, मेरे को नहीं लग रहा है मैं कर पाऊंगा चैलेंज भाई, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं थोड़ा ही जो स्टिक को इधर कर रहा हूँ वो पूरा हो जा रहा है, तो इसलिए मैं मतलब ये जो फ्यूल टैंक है ना आधे अधूरे कर देता हूँ। तो चलो फटाफट अपन लोग करते हैं क्योंकि अभी अपने लोग को बहुत ज़्यादा करने, बट मैं बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रहा था, जैसे मैंने फॉर्चुनर बिल्कुल बारीकी से करी थी ना, लेकिन मैं वैसे फ्यूल टैंक नहीं कर रहा था। तो लगभग यहाँ पे देख सकते हो अपन लोग काफ़ी ज़्यादा यार जगह कवर कर ली फ्यूल टैंक से, अभी अपन लोग को पूरे गोले में फ्यूल टैंक रखना है। तो चलो भाई फटाफट रखते जाते अभी अपन लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने लगभग 11 वाले फ्यूल टैंक भी काफ़ी ज़्यादा बुला दिए, अभी मैं छोटे गैस टैंक भी बुलाते जाता हूँ वाले। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी मेरे को स्टिकी बॉम्ब भी लगाना है, भाई क्या हाल होगा गेम का कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलो भाई भाई फोन भी बार बार निकालना पड़ रहा है भाई, ये गजब का यार भड़क गए। तो चलो यार फाइनली यार गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी गेम सबसे गंदा ग्रैस करने लगा क्योंकि मैं पूरा गेम कंप्लीट कर दिया हूँ, मतलब मैंने स्टिकी बॉम्ब भी लगा दिए, फ्यूल टैंक भी लगा दिए, अब बारी है ब्लास्ट करने की। तो हेलीकॉप्टर से मैं ऊपर जाऊँगा क्योंकि भाई यहाँ पर तो मैं ब्लास्ट कर नहीं पाऊंगा, गेम ऐसा लैग कर रहा है, 2 FPS 4 FPS बस चल रहा है, इससे ज़्यादा ऊपर हो ही नहीं रहा है, गेम बहुत गंदा वाला क्रैश करने लगा भड़क गए गेम। आप लोग देख तो भाई हेलीकॉप्टर ही नहीं चल रहा है, इतना गंदा क्रैश हो गया ना गेम जिसका कोई हिसाब नहीं। तो चलो सबसे पहले अपन लोग चलते कहीं ऊपर वाली जगह पे चलते और वहीं से अपन लोग इसको फोड़ेंगे और नज़ारा देखेंगे, क्योंकि भाई यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं। हेलीकॉप्टर के हाल देखो, मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट लेने की सोचता हूँ, 1-2 स्क्रीन शॉट लूँ भाई, हेलीकॉप्टर भी इतना ज़्यादा वैसा हो रहा था ना। अभी आप लोग देख सकते हो मैं ऊपर आ गया, अब बिल्कुल गेम सिंपल आ गया, बिल्कुल क्रैश नहीं कर रहा है क्योंकि अभी मैं उस जगह से दूर आ गया और गेम अपना अभी भी थोड़ा कर रहा है, बट अभी 12 FPS तक आ गया। अब आप लोग देखो मैं स्टिकी बम को एक्टिव कर रहा हूँ और देखो धमाका, बट भाई गाइस आप लोग को उस साइड का सीन नहीं देख पाएगा क्योंकि वहाँ पे मतलब रेंज से ज़्यादा दूर आ गया था तो यहाँ पे, बट आप लोग देख सकते हो भाई सारी गाड़ियाँ फूट गई हैं, लेकिन इस साइड की थोड़ी रह गई थी क्योंकि स्टिकी बम में सही से डाल नहीं पाया था। बट भाई क्या ही मस्त वाला ब्लास्ट हुआ, गैस टैंक अभी भी फूट रहे। तो भाई लोग आज के बेस्ट टाइम मिलते नेक्स्ट वीडियो वाले करके, वीडियो थोड़ा सा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना, जल्दी अपना स्टोरी लाइन भी आने वाला है इंडियन बाइक 3D का।